वेलकम टू ऑल। देखिए, हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखे थे लास्ट क्लास में, तो आज भी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। थ्योरम क्या कहता है कि एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इज आइसोमॉर्फिक टू स्पेस एफ एन, ठीक है। यानी ये कि अगर आप कोई वेक्टर स्पेस लेते हैं वी एफ, ठीक है, तो इस वेक्टर स्पेस के लिए चूंकि ये ओवर फील्ड एफ है तो डायरेक्टली भी आपका क्या हो जाएगा, आइसोमोर्फिक हो जाएगा एफ एन के, ठीक है। बात समझिए, चूंकि देखिए ये आपका वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ, तो डेफिनेटली इसके करस्पॉन्डिंग में एफ एन एफ भी वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। चूंकि ये है तो फील्ड, और एन टपल आप लेते हैं ओवर एफ तो वो भी एन डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, और इसका भी डायमेंशन आपने एन लिया हुआ है, ओके तो डेफिनेटली दोनों क्या हो जाएगा के बीच में एक कोई ना कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो क्या होगा, जो आपका वन वन होगा और ऑन टू होगा, ठीक है। और अगर ये हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि एफ एफ एन के क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो यही हमको दिखाना है, और इसके बाद आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट बन जाएगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप डायरेक्ट भी एफ को लिख सकते हैं क्या कि भी इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एन, अगर इसका डायमेंशन एन है तो, ठीक है ना, ओके तो पहले हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। आइए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। निचोड़ तो मैंने आपको समझा दिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं, रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ आपका सिंपल रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये करेंगे कि हम लोग ले लेते हैं ना कि लेट, ठीक है, वी ओवर एफ इज वेक्टर स्पेस, ठीक है, ऑफ डायमेंशन एन, ठीक है। इसको हम लोगों ने ले लिया, इसका डायमेंशन एन है, ठीक है। तो इसके पास एक बेसिस होगा, लेट बी इज इक्वल टू वी वन वी टू से लेकर के वी एन, ये क्या है, ये बेसिस है, इज बेसिस फॉर फॉर वी, ठीक है, ये बेसिस हो गया एन एलिमेंट का, क्योंकि इसका डायमेंशन एन है, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या लेंगे, लेट ले लेते हैं कि एफ एन एफ, ठीक है, ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा, लेट का वजह तो है नहीं, देयर फोर लिख सकते हैं आप, चूँकि डेफिनेटली होगा ही, है ना, देयर फोर एफ एन एफ इज एल्सो वेक्टर स्पेस, ठीक है, ऑफ डायमेंशन एन। तो इसका भी डायमेंशन एन है, ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं कि अगर सेम हो जाए फील्ड तो डायमेंशन जो उसका पावर है वही हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करना है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, चूँकि ये देखिए एन डायमेंशनल स्पेस है तो इसको आप टपल्स में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू से लेके मैं अल्फ़ा एन टपल में डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, जहाँ आपका जो अल्फ़ा आई है वो फील्ड का मेंबर होगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब हमको आइसोमॉर्फिक दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, क्या दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, ठीक है, हमको ये दिखाना है कि क्या है, भी जो है वो आइसोमॉर्फिक है एफ एन के, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक जो है ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा, दैट इज वी हैव टू शो, वी हैव टू शो देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ए मैप, एक मैप यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कहाँ से कहाँ, भी से एफ, ठीक है, भी से एफ, वो क्या होगा, वो आपका विच इज जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, विच इज एल टी, ठीक है, फिर क्या होगा, वन वन होगा और क्या होगा, और आपका ऑन टू होगा। तो अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर जाता है जो वन वन और ऑन टू है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये आपका मैप हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको वन बाय वन करके यहाँ पे प्रूफ करते हैं, ठीक है जी। तो ठीक है, आइए डिफाइन करते हैं, लेट डिफाइन, एक मैप डिफाइन कर लेते हैं, लेट डिफाइन टी फ्रॉम वी टू एफ एन, ठीक है, वी टू एफ एन सच दैट, कैसे डिफाइन करना है, तो भी का कोई एलिमेंट लेंगे, ठीक है, स्मॉल भी वन, तो स्मॉल स्मॉल भी, तो ये जो स्मॉल भी है ये क्या हो जाएगा, ये आपका, ठीक है, एफ एन में चला जाएगा। तो एफ एन में कोई भी एलिमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू से करके अल्फ़ा एन तक, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे, ये डेफिनेटली क्या होगा, ये एफ एन का मेम्बर होगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम हमको ये दिखाना होगा, पहला हमको ये शो करना पड़ेगा कि ये वेल डिफाइंड है, टू शो टी इज़ वेल डिफाइंड, यानी ऐसा मैप हो सकता है, पहले हम ये जो है देख लेते हैं, ठीक है, वेल डिफाइंड बिल्कुल होगा, देखिए कैसे हम लोग करेंगे,
देखिए क्या है हम लोगों का, देखिए अगर हम लोग लेते हैं कि कोई एलिमेंट मैंने लिया स्मॉल भी, कहाँ से, भी से, ठीक है, इससे लिया, तो डेफिनेटली क्या है, हम इस भी को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा वन भी वन प्लस अल्फ़ा टू प्लस भी टू, ठीक है, से लेकर के अल्फ़ा एन भी एन लिख सकते हैं। क्यों क्यों लिख सकते हैं, तो इसलिए कि जो भी वन से लेके भी एन तक है, ये क्या है, ये बेसिस है, इज बेसिस फॉर भी, ठीक है। तो चूंकि ये बेसिस है तो इसका मतलब है कि हम भी के किसी भी एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो हमें लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ जो अल्फ़ा वन से लेके अल्फ़ा एन तक यूज़ किया गया है, तो आपको पता है कि ये एक पार्टिकुलर एलिमेंट को तब दिखाएगा जब ये अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू से लेके अल्फ़ा एन तक क्या होगा, कोई यूनिक कलेक्शन होगा, ठीक है। इसलिए कि एक एलिमेंट को हम एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन से दिखा सकते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो भी इक्वल टू ये होगा वेयर, जहाँ पे जो कलेक्शन है टपल्स में अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन का, वो क्या होगा, वो होगा आपका यूनिक होगा, यूनिक इन एफ एन, वो एफ एन से लिया गया है अगर, तो ये यूनिक होगा। तो इसका मतलब है कि देयर फोर क्या हो गया, जो टी भी है मेरा, ठीक है, टी भी, टी भी का मतलब है कि जब हम लोग इसका इमेज देखेंगे, ठीक है, तो इमेज तो इसका एफ एन में ही जाना है, बात समझिए अच्छे से, ठीक है। एक तरफ मेरा ये मैप है, एक तरफ ये है, ठीक है ना, दो तरफ सेट है, ये मेरा भी है, ये है मेरा एफ एन, ठीक है। तो जो मैपिंग है हमारा टी का, ठीक है, तो हम अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं स्मॉल भी, तो ये क्या है, ये मैप करेगा इसमें, और इसमें जो इमेज है वो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू करके अल्फ़ा एन इस टाइप से है, ठीक है। तो जो इसका वैल्यू है टी भी, ठीक है, वो चूंकि हमको सिर्फ टपल्स में लिखना है तो कोई ना एक टपल के बराबर होगा, तो जो यहाँ पे स्केलर यूज़ किया गया है टपल्स उसी का बनेगा, ठीक है, और वो यूनिक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टी भी, ठीक है, टी भी इज़ यूनिक, यूनिक इन एफ एन, ठीक है, यानी भी का जो इमेज है वो यूनिक है, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो यही ज़रूरी है, फंक्शन के लिए क्या होता है कि एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है, ओके। और ये आपका आर्बिट्रेरी है, तो यानी हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है, तो हम यहाँ बोलेंगे क्या, टी इज़ वेल डिफाइंड, ठीक है। ज़्यादा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इस बात को समझ रहे हैं, तो इसको आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये दिखाएंगे नंबर टू में कि हमारा जो टी है वो क्या है, वो लीनियर है, टू शो टी इज लीनियर, ठीक है, टी को लीनियर दिखाएंगे। तो टी को लीनियर दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है, ठीक है, हम लोग जो है टी अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई को दिखा देंगे कि अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा वाई है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे, पहले मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ, एक्स एंड वाई, कहाँ से, भी से, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ए वन भी वन प्लस ए टू भी टू से लेकर के ए एन भी एन, ठीक है। और हम लोग वाई को कैसे लिख सकते हैं, वाई को हम लोग लिख सकते हैं बी वन भी वन, ठीक है, बी टू से लेके बी एन भी एन, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो ए आई से लेके ए एन तक है और बी आई से लेके बी एन तक है, ये यूनिक कलेक्शन होगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्या होगा, यूनिक कलेक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वेयर क्या, जो ए वन है ए टू है ए एन है, ये एक जो टपल हो, जो भी टपल बनेगा, ठीक है, और जो आपका बी वन है बी टू है बी एन है, ये जो टपल बनेगा, ठीक है, एफ एन में क्या होगा, वो यूनिक होगा, आर यूनिक, ठीक है, ओके। यूनिक समझते हैं ना, मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पे यूज किया गया है दो तीन और जीरो, तो ये टपल बन गया, थ्री डायमेंशनल में बात करें अगर हम, तो ये टपल है, ठीक है। इसी तरीके से अब यही इसी स्केलर का आप यूज करेंगे तो आपको वही वेक्टर बार बार मिलेगा ना, क्योंकि बेसिस आप वही यूज़ कर रहे हैं। तो फिर आपने कभी टू जीरो माइनस थ्री यूज़ किया तो आपको फिर अलग एलिमेंट मिलेगा, तो टपल वाइज जो टपल मिलेगा आपको वो यूनिक मिलेगा एक एलिमेंट के लिए, तो एक्स के लिए ये यूनिक होगा और वाई के लिए ये यूनिक होगा, ये बात समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो देखिए तो यहाँ पे जैसे हम लोगों का एक्स ये था वाई ये था, ठीक है, और ये जो टपल्स है वो यूनिक है, तो जैसे ही हम टी एक्स लिखेंगे तो टी एक्स चूंकि क्या है एफ एन का इमेज है, ठीक है, एफ एन का वैल्यू है, तो वो सिर्फ आप स्केलर्स को लिखेंगे, ये हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ही हम एक्स की इमेज लिखेंगे, एक्स की इमेज, ठीक है, एक्स की इमेज किस में जाएगी,
तो एक्स का इमेज जाएगा एफ एन में, ठीक है, तो एफ एन में जाएगा, तो आप इसको टपल्स में लिखेंगे, और वो टपल्स क्या लेंगे, सिर्फ स्केलर का लेंगे जो आपने यूज़ किया है, और इसी का हम लोग बोल रहे थे कि ये यूनिक होगा जैसे हम लोग इसको डिफाइन किए हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आपका टी वाई हो जाएगा, उसमें भी आपका जो वाई में जो आप स्केलर का यूज़ किए हैं बी वन बी टू से लेके बी एन तक, उसको आप टपल्स में ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो अल्फ़ा एक्स का वैल्यू डाल दिया प्लस बीटा वाई का वैल्यू डाल दिया, ये एक्स और वाई उठा के डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे कि वेक्टर वाइज अलग कर देंगे, अगर बी वन को हम कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ए वन प्लस बीटा बी वन, इसी तरीके से बी एन को कॉमन लेंगे तो ये कोएफिशिएंट बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये पूरा अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, इसका पूरा वैल्यू ये आ गया। अब जहाँ आप इसकी इमेज लेंगे, जहाँ आप इसकी क्या करेंगे, इमेज लेंगे टी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो जैसे ही टी लगाएंगे तो फिर हमको सिर्फ स्केलर चाहिए होगा टपल में, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ टपल्स के फॉर्म में, देखिए टपल्स के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्केलर को लिख ले रहे हैं, अल्फ़ा ए वन प्लस बीटा बी वन, अल्फ़ा ए टू प्लस बीटा बी टू, लाइक दैट अल्फ़ा ए एन प्लस बीटा बी एन, ठीक है। अब देखिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, टपल्स को आपस में ऐसे करके जब ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा इसको हम अगर अलग करें तो ये आपका एक है अल्फ़ा, ये ए वन ए टू से लेकर के ए एन एक टपल है, प्लस ये है आपका बीटा कॉमन ले लीजिए, तो बी वन बी टू से लेकर के बी एन तक, ठीक है जी। अब देखिए ये जो है मेरा, ये पूरा ए वन से लेके ए एन तक क्या है, यही मेरा टी एक्स था, ठीक है, ऊपर देख सकते हैं, प्लस ये क्या है आपका, यही आपका टी वाई था, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों को करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है, ठीक है, टी को इसी तरीके से डिफाइन किया गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, बाई डेफिनेशन ऑफ टी, जैसे हम लोग टी को डिफाइन किए थे उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ टपल में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया है, इसका मतलब है कि टी भी आपका क्या है, लीनियर है, ठीक है। देयर फॉर क्या, टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू दिस वन, दिस इम्प्लाइज टी इज लीनियर, तो लीनियर भी हो गया और आपका वेल डिफाइंड भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको वन वन दिखाएंगे और ऑन टू दिखा देंगे, ठीक है, तो बहुत जल्दी आप दिखा लेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, नंबर थ्री, टू शो दैट, टू शो दैट क्या, टी इज़ वन वन, ठीक है, टी क्या है, वन वन है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वन वन दिखाने के लिए हम लोग पहले दो मेंबर लेंगे, एक्स वाई का बिलोंग्स टू भी, ठीक है, एंड ये ले लेंगे कि इनका जो इमेज है टी एक्स और टी वाई ये इक्वल आ जा रहा है, ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं, तभी तो अगर ये इसका, अगर ये दो इमेज इक्वल लेते हैं और करस्पॉन्डिंग वेक्टर अगर इक्वल आ जाएगा तो वन वन प्रूफ हो जाएगा, तो इसीलिए इसी से चलेंगे, ठीक है। अब टी एक्स हम लोग का ऊपर हम लोग देखे थे क्या हुआ था, ये था हम लोगों का ए वन ए टू से लेकर के ए एन, ठीक है, और इधर आपका था बी वन बी टू से लेकर के बी एन। अभी देखिए टपल्स में है, तो टपल्स में है तो डेफिनेटली क्या है कि दो इस तरह का ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होता है जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए, ठीक है, तो यानी कि ए वन ए टू के इक्वल है, बी वन बी टू के इक्वल है, और लाइक दैट आपका ए एन बी एन के इक्वल है, ठीक है, ए वन बी वन के इक्वल है, ए टू बी टू के, और ए एन बी एन के, तो सारे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ए वन एक्स वन है, ठीक है, ए टू एक्स टू है, इस तरीके से जो ए एन एक्स एन लिखा जाएगा ये, और जो बी वन बी एक्स वन होगा, बी टू एक्स टू होगा, से बी एन एक्स एन होगा, ये दोनों एक ही चीज़ होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका x से आप इसको डिनोट करते हैं v का एलिमेंट को, और इसको आप y से डिनोट करते हैं जैसा ऊपर किए थे, तो यहाँ से x और y भी बराबर आ जा रहा है, तो हम लोगों ने ये लिया था और ये आ गया, देयरफॉर क्या हो गया आपका, टी इज़ वन वन, ठीक है, बहुत इजी दिखा दीजिए इसको, है ना। अब रहा सवाल लास्ट दिखाना कि टी मेरा क्या है, ऑन टू है, टी इज़ ऑन टू, ठीक है, तो ये भी बहुत इजीली दिखा सकते हैं हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग ले लेते हैं इमेज, ठीक है, यानी अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू से अल्फ़ा एन बिलोंग्स टू एफ एन ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए अगर ये एफ एन में है तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू लिया गया है ये सारा क्या है, ये आपका फील्ड का मेम्बर है, ठीक है, तभी तो आपने इसको टपल में लिखा था, ठीक है, तो देयर फॉर ये होगा कि भी जो एलिमेंट है जिसको हम लिखते हैं क्या, अल्फ़ा वन भी वन प्लस अल्फ़ा टू भी टू से लेकर के अल्फ़ा एन भी एन, ठीक है, ये क्या होगा, ये डेफिनेटली क्या होगा, ये मेरा कैपिटल वी में बिलोंग करेगा,
ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें जैसे ही टीवी इमेज लगा देते हैं टी अंडर टी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फिर से अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, जो स्केलर है केवल उसी को लिखेंगे, ठीक है, इंटरपल। और ये क्या है, ये आपका एफ एन का मेम्बर है, ठीक है। तो अगर ये एफ एन का मेम्बर है, ठीक है, इसको जो भी देख लीजिए इक्वेशन टू कर दीजिए, अगर ये एफ एन का मेम्बर है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास में हर एफ एन के मेम्बर के लिए एक प्री इमेज अवेलेबल है, ठीक है। हेंस क्या बोलेंगे, हेंस देयर एग्जिस्ट, ठीक है, भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी सच दैट टी भी इज इक्वल टू क्या, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, ठीक है, ओके, फॉर ऑल टी भी, जो भी इस तरह का होगा, फॉर ऑल टी भी बिलोंग्स टू एफ एन, मतलब जितना भी एफ एन के पास में इमेज है इस तरह का टपल में, सबके लिए एक प्री इमेज मेरे पास में है, ठीक है। तो इसी से तो ऑन टू बन गया, तो देयर फोर क्या हो गया, टी इज ऑन टू। तो देखिए टी आपका सब कुछ हो गया है ना, टी आपका क्या है, देयर फोर देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ से कहाँ, वी से एफ एन, ठीक है, कैसे, सच दैट कि आपका क्या है, वन वन है एंड ऑन टू है। और अगर ये चीज़ है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई भी क्या है मेरा, आइसोमोर्फिक है एफ एन का, ठीक है। ये है देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, बहुत हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भैया कोई वेक्टर स्पेस है जिस फील्ड में लिया गया है वो उसी के, ठीक है, एन डायमेंशनल स्पेस में क्या हो जाता है, आइसोमोर्फिक हो जाता है, जो जो भी का डायमेंशन होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए भी का डायमेंशन जो है वो आपका थ्री है, ठीक है, ओके, तो ये तो हम लोग पढ़ के रखे हैं, ठीक है ना। तो भी का अगर डायमेंशन अगर आपका थ्री है, सपोज करते हैं डायमेंशन भी का क्या है, थ्री, ठीक है, और आपने स्केलर लिया हुआ है, जो फील्ड आपने लिया हुआ है वो क्या लिया है, वो आपने एफ लिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं या आपने रियल नंबर लिया हुआ है, ठीक है, फील्ड, और डायमेंशन भी का थ्री है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, भी आपका आइसोमोर्फिक हो जाएगा किसके, ठीक है, थ्री डायमेंशनल रियल स्पेस के। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है ये, ठीक है, तो इसका हम बहुत यूज़ करने वाले हैं। तो खैर आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा, आई होप आपने अच्छा से देखा है इसको, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, डेफिनेटली सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम और क्वेश्चंस मैं लेके आता रहता हूँ, ठीक है। अलग से जो है प्लेलिस्ट भी बना हुआ है CSIR नेट के लिए, तो आप वहाँ से भी नेट का गेट का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर भी कीजिएगा कीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।